मेरे साथ ये सारे खेल खेलती रहेगी और मुझे पता नहीं चलेगा इस सबके पीछे तू है। रजिया, तुम किससे बात कर रही हो और ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। कौन है वहां? क्या हुआ? आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? हाँ, और ये काला शॉल ओढ़कर कहाँ इधर उधर घूम रही है? इस वक्त रात में बाहर क्या कर रही हैं आप? अरे, हम तो वाजिद को ढूंढ रहे थे। हमारे कमरे का हीटर नहीं चल रहा था, इसलिए सब कमरे में उसे देख रहे थे। कितनी आवाजें लगाई लेकिन कमबख्त कहीं नहीं मिला। फिर हमने सोचा शायद यहीं कहीं होगा, इसलिए ढूंढने चले आए। रजिया, ठंड में हम शॉल नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, बात क्या है बताओ ना। अरे बोलो भी, क्या भूत की तरह खड़ी रहोगी? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं लगता है रजिया सठिया गई है। मिस्टर खान, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी, मैं कब से आप वेट कर रही हूं। मैं कॉफी लेके आऊं? सर की अम्मी कहां है? अम्मी, अम्मी, सर की अम्मी बाहर गई। फारूक की अम्मी कहाँ? फारूक चली गई है वो। आपके अब्बू के पास। मैंने उनसे कहा था उन्हें अपने बेटे और अपने शोहर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इस फारूकी में हमेशा हारता है और वो आदमी हमेशा जीतता है। उस आदमी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अम्मी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत सा मेरा और नजमा का बचपन सब कुछ। और आज उसने अम्मी को भी मुझसे छीन लिया। ऐसी बात नहीं है मिस्टर खान, आप गलत समझ रहे हैं। आपके अब्बू बहुत बीमार है। खुदा ना खास्ता भुप्पी के जाने से पहले अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो भुप्पी अपने आप को कभी माफ नहीं करती। तरफ तारी करना मत कीजिए, आप जानते नहीं हो कैसे इंसान। मैं बस ये जानना चाहता हूँ
आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोक सकती थी? ये उनका खुद का फैसला था। उन्होंने अपने जज्बातों में आकर ये फैसला लिया, उनकी झूठी बातों को सच मान के ये फैसला लिया। लेकिन मिस फारूकी, अगर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं उन्हें नहीं रोकना चाहती थी। मिस्टर खान, आपने रोकना नहीं चाहती थी। मिस्टर खान, आप मम्मी को रोकना नहीं चाहती थी। अरे नुसरत, तू तो दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रही थी ना। चल ठीक है, कोई बात नहीं, सो जा। कौन है तुम और ये अंदर कैसे घुसा है? तुम्हें अंदाजा है कि तुम किसके घर में घुसा हो? रजिया, पुलिस को फोन लगाओ।
हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और जब तक पुलिस यहां नहीं आ जाती यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। वो कोशिश तो मैं पुलिस के आने के बाद भी नहीं करूंगा। मैं यहां पे रहने के लिए आया, यहां से जाने के लिए नहीं। किस तरह की बेशर्म इंसान है आप? पहले घर में घुस आए और अब कहते हैं यहां बसना चाहते हैं? आपकी पहली बात गलत है और दूसरी सही। मैं बेशर्म नहीं हूं। हाँ, अलबत्ता इतना खूबसूरत घर देखकर यहां पे हमेशा के लिए रहने का दिल जरूर कर रहा है। And I'm sure, मेरे जैसा हैंडसम लड़का देखकर आप लोगों का भी मुझे हमेशा के लिए यहां रखने का दिल कर रहा होगा, बस अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा। आई अंडरस्टैंड। बाय द वे, माय नेम इज हैदर। तो आप हैदर हैं तो क्या करें, आपको घर में रख लें। एक मिनट शिरीन, आप हैदर शेख ईमान कंस्ट्रक्शंस के मालिक और हमारे बिजनेस पार्टनर? जी वही। माफ कीजिएगा, दरअसल आप तो कुछ और फ्लाइट से बहुत छोटी से हैं। हमें तो लगा था कोई बड़ी उम्र का आदमी आएगा। जी हाँ, हमने भी नहीं सोचा था कि हैदर शेख इतनी कम उम्र का नौजवान होगा। माफी चाहते हैं। पर आप हुमेरा के कमरे में क्या कर रहे थे? जी दरअसल मेरी फ्लाइट टाइम से पहले ही आ गई और मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और ये साहब, इन्होंने कहा कि मेरा कमरा वो है। जी इत्तेफाक देखिए ना, ये कमरे में थी और हमें पता भी नहीं लगा। जी मैंने कहा था कि बाएं हाथ की तरफ से तीसरा कमरा, पर ये साहब दूसरे कमरे में घुस गए। रियली आई एम सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं हैदर साहब, आइए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। आइए। जी चलिए। चलिए कोई बात नहीं। सॉरी। सॉरी। दो बार सॉरी क्यों? एक बार गलती कर चुका हूं और वही गलती दोबारा दोहराने की ख्वाहिश रखता हूं। अब आप ये बताइए, दो माफिया तो बनती है ना? ये सब क्यों हो रहा है भाईजान? मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन ये बैग लेकर कहां जा रहे हैं? मैंने एक फैसला लिया है भाईजान। कैसा फैसला लिया है? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या फैसला लिया तुमने?
आयाश, आयाश। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं जानता हूँ भाईजान, मैंने जो भी फैसला लिया है उसके पहले मुझे आपके पास आना चाहिए था, लेकिन भाईजान मैं बहुत परेशान था। मैं अब्बू ने मेरा यकीन पूरी तरह से तोड़ दिया है भाईजान, और इसीलिए मैंने आपसे, घर से, यहाँ तक कि अपने आप से दूर जाने का फैसला कर लिया है। आप जानते हैं भाईजान, जब मैं घर छोड़ के जा रहा था, तब मैंने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा, क्योंकि जाते जाते मुझे फिर हुमेरा दिख जाती और मेरा जाना नामुमकिन हो जाता। भाईजान मैं जहां रहूंगा सही सलामत रहूंगा इंशाल्लाह, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। बस कुछ वक्त के लिए मैं ये सब कुछ भुलाना चाहता हूँ। बस जाने से पहले एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे हमेशा बात करूंगा, हमेशा। अल्लाह हाफिज़। सब कुछ टूट रहा है, पहले हम ये मैं छोड़कर चलेंगे। रब रब आया, हमारे पास यहां रहने की कोई वजह नहीं। डरा ही दिया था कल रात को। रियली? अभी तो मैंने डराना शुरू भी नहीं किया और आपका ये हाल है। सोचिए, अगर मैं डराने पर आ गया तो क्या होगा आपका? एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गई आप? एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था। मैं कल रात के लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूं। आप बैठे ना जी। मैं तो राजेश साहब को कहा भी था कि मैं किसी होटल में रुक जाता हूं, पर उन्होंने इतनी इज्जत करी कि मैं इनकार ही नहीं कर पाया। हम आपको इनकार करने भी नहीं देते। आप जैसा जीनियस जिसने इतने कम उम्र में जो मकाम आपने हासिल किया है, वो लोग अपनी तमाम उम्र में भी हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि इंसान को सारी मंजिलें दौड़कर ही तय करनी पड़ती है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ना। जब श्री ने मुझे बताया कि आपकी उम्र इतनी कम है, तो मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। हुमेरा, राइट? नाइस नेम। थैंक यू कहने पर एलर्जी होनी बंद हो गई है। ऐसा मैंने नहीं कहा, डॉक्टर ने कहा है। एक्चुअली मैं कल रात के सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं, सो आई एम रियली सॉरी। हुमेरा बेटा, वो माफी मांग रहे हैं, माफ कर दो। मैं चाहे किसी को माफ करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी लोग पहले माफी मांगते हैं, उसके बाद जो दिल में आए वही करते हैं। तो माफी मांगने की जहमत क्यों उठाते हैं? आप भी रहने दीजिए। Thank you.
सॉरी, वो बात यह है कि वो मेरा आजकल थोड़ी परेशान है। मेरा बेटा आयान, मैं जानता हूं, सिद्दीकी साहब ने मुझे बताया। एक्चुअली गलती मेरी है, शायद मैंने ही उनकी कोई दुखती रात छेड़ दी होगी। आयान और हुमेरा की सगाई हो गई थी, मुझे तो यकीन है कि वो आएगा। आखिर इतना खूबसूरत घर और इतनी खूबसूरत फ्यूचर छोड़ के कोई कैसे दूर रह सकता है? वो जरूर वापस आएगा। मिस्टर खान, अब फिर से अपना बैग पैक कर रहे हैं? कम ऑन मिस्टर खान, अब कल रात को ही तो वापस आए हैं और फिर अपने बैग्स पैक कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं आप? जी, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा, आप मेरे साथ चल रही। कहाँ? न्यूयॉर्क, हमेशा के लिए।